पीपल्स पार्टी की बड़ी विकेट गिर गई। अहम रहनुमा ने तहरीक इंसाफ में शमूलियत अख्तियार कर ली। सरदार लतीफ खोसा बाकायदा पीटीआई का हिस्सा बन गए, मगर मजीद दो कौन से रहनुमा परवाज के लिए तैयार हैं, एंकर पर्सन ने दावा कर दिया। लतीफ खोसा ने न सिर्फ अपने घर पर तहरीक इंसाफ का परचम लगा दिया बल्कि पार्टी मफलर भी पहन लिया। मीडिया से गुफ्तगू में पीटीआई में शामिल होने का बाज़ाबता ऐलान कर दिया। मैंने आज तक जो किया है, मैंने इबादत समझ के, वकालत भी इबादत समझ के की है, सियासत भी इबादत समझ के की है, जिससे भी दोस्ती की है निभाया है, कूट कूट के निभाया है। लतीफ खोसा के बाद मजीद सीनियर रहनुमाओं की तहरीक इंसाफ में शमूलियत की खबरें गर्म हैं, लेकिन वो कौन होंगे ये सामने आना अभी बाकी है। एंकर पर्सन उसामा गाजी ने भी दावा कर दिया। उसामा गाजी ने सोशल मीडिया पर एक्स पैगाम में लिखा कि लतीफ खोसा की तहरीक इंसाफ में शमूलियत पहली किस्त है। अभी मजीद दो बड़े सियासी नाम तहरीक इंसाफ में लंगर अंदाज होने वाले हैं। अफवाहें हैं कि एतजाज अहसन और नून लीगी सरदार महताब अब्बासी पीटीआई में जाएंगे, लेकिन ऐसा है कि नहीं, जल्द सामने आ जाएगा।